Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखाने किस तरह से जो मतलब हमारे साथी हैं, आम नागरिक हैं, और वो गरीबों को सहायता कर रहे हैं लगातार खाने के लिए। उनको राशन, रोटी, सब्जी, शादी आदि सुविधाओं का मुहैया करा रहे हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस के क्या नाम है, मनीष कुमार हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि अपने कैमरामैन चाहूँगा एक बार दिखाए, देखिए कहाँ से कहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। और खाने के लिए ये गरीब मजदूर हैं, इनके लिए खाना की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं, और आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खाना लोगों को बांटा जा रहा है। यहाँ पर करीब करीब सभी लोगों की समस्या हल की जा रही है कि खाने के लिए सुबह भी टाइम से खाना दे रहे हैं, शाम को भी टाइम से खाना दे रहे हैं इन लोगों को, कैसे नहीं है। डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से, इन लोगों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल किया जा रहा है जी। कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मास्क वगैरह के लिए भी इन लोगों को बोल रखा है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मास्क के लिए नहीं बोल रखा। तो कितने लोगों को खाना आप देते हैं रोज? 1400 से 1500 के बीच में आसपास के खाना बांटते हैं रोज, सुबह में भी शाम में भी। यानी कि सुबह शाम डेली? हाँ जी डेली। यानी कि काफ़ी आप अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम है। और लोग देखो जी, हमारे तो ये चाहते हैं कि सिविल डिफेंस से जितना सहयोग हो सकता है उतना करें। हम लोग ये नहीं है कि भाई इसमें लापरवाही कर रहे हैं, सब चीज़ का सहयोग कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। आज काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को करते करते, लेकिन आगे भी ऐसा ही करेंगे कि हम लोगों को पब्लिक को जागरूक करेंगे। इसी तरह गरीबों की मदद होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, हम कुछ गरीबों से भी जानते हैं किस तरह से उनको यहाँ पर खाना दिया जाता है, और कितने दिन से यहाँ पर ये लगातार जो है खाना चल रहा है। राधा जी, खाना डेली मिलता है? हाँ डेली जी। सुबह मिलता है, शाम को? दोनों टाइम मिलता है। कितने परिवार हैं? पाँच जी। सही मिल रहा है? सही मिल रहा है। तो मजदूर भी यहाँ पर जो है स्वस्थ हैं जी। आप बताइए। गीता जी, हाँ जी सही मिल रहा है। हाँ दोनों टाइम दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। हमारे हम तीन हैं। हाँ जी किराए पर आते हैं। हाँ जी किराए पर। तो ये देखिए, ये लगातार जो है मजदूरों की हेल्प लगातार कर रहे हैं। और मेरठ में, रिठानी में ये सिविल डिफेंस की ओर से इनको दो टाइम का खाना दिया जा रहा है। अपने कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाए, सामने तक भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है, और काफ़ी लोग जो है जेंट्स हैं। ये लेडीज़ का डिपार्टमेंट है। आइए हम आपको थोड़ा जेंट्स भी दिखा देते हैं। मेरे पीछे आइए, मैं जेंट्स भी आपको दिखा देता हूँ कि सीधी जो तस्वीरें हैं वो आप आईएसएन7 पर देख रहे हैं, और लगातार सभी लोगों को यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। जी हाँ, आए मेरे पीछे बने रहिए। ये देखिए, यहाँ तक यहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन यहाँ पर हो रखा है। और आइए हम पुरुष में चलते हैं, जो पुरुष का डिपार्टमेंट यहाँ अलग अलग बना रखा है, दो वर्गों में यहाँ पर बांटा हुआ है, महिला का डिपार्टमेंट और पुरुष का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। आप बताइए क्या नाम है? शिव जी। ठीक मिल रहा है? डेली मिलता है? दो टाइम खाना मिलता है? हाँ दो टाइम। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती ना? घर में कितने परिवार लोग हैं? पाँच लोग हैं। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम मेरठ में सिविल डिफेंस की ओर से उठाया गया है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर सभी उधर, यहाँ पर महिला का डिपार्टमेंट है और इधर यह पुरुष का डिपार्टमेंट है। तो इनको खाना टाइम से 2 वक्त का यहाँ पर मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा कदम ये सिविल डिफेंस की ओर से, मेरठ की ओर से उठाया गया है। मैं कैमरामैन दीपक साथ, अजीत सिंह, आईएसएन7 न्यूज़।